एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम ऐसे निगम पार्षद से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दिलसाद गार्डन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। चलिए हम आपकी सीधी मुलाकात करा रहे हैं। पूरा नाम जानना था, आपको पूरा नाम क्या? मेरा नाम संतोष सरीन है जी। और वैसे मैं कायस्थ हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड सरीन है, इसलिए मैं संतोष सरीन। आपको ये उपराज्यपाल ने किस पर्पस से आपको मनोनीत किया गया था? देखिए, पर्पस तो ये था कि EDMC में राज्यपाल की खुद की मौजूदगी चाहते थे। खुद की मौजूदगी से मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने जिनको वो समझते थे कि ये सही जाके काम करेंगे उनको उन्होंने मनोनीत किया। CM शीला दीक्षित के कहने से उन्होंने नाम भेजे, कुछ नाम किसी और ने भेजे। मुझे अपना नाम पता है कि श्रीमती शीला दीक्षित ने LG को भेजा था और LG ने फिर उसको नाम को मान के और हमें ये EDMC का मेंबर बनाया, कार्ड दिया। बाकी सब चीज़ों में पार्षद और एल्डरमैन बराबर, सिवाय फंड के। फंड जो है वो सिर्फ पार्षद को मिलता है, हमें नहीं मिलता। नतीजा ये है कि हम कुछ काम करवा नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ दिलशाद गार्डन के अंदर मुझे चिंता ये हुई कि लोग, लेडीज, जेंट्स, जितने मजदूर काम वाली आती हैं, सारा दिन रहती हैं घर में, तो कोई जाने नहीं देता, तो वो पार्कों में इधर उधर बैठ जाते। तो कोई एक शौचालय यहाँ होना चाहिए जिसके अंदर ये लोग जाएं तो पार्कों की खूबसूरती में खराबी ना आए। फिर लैंड यूज, थोड़ा सा लैंड इसमें हॉर्टिकल्चर की पड़ी हुई थी जो बेकार सी थी, तो उसके लिए मैंने लैंड यूज चेंज करने के लिए कहा। एक डिप्टी डायरेक्टर, दूसरा डिप्टी डायरेक्टर, 1.5 साल मुझे इन लोगों की खुशामद करनी पड़ी कि भैया यहाँ पर शौचालय बनाने की इजाज़त दे दो, इसका हॉर्टिकल्चर से लैंड यूज़ इसमें शौचालय के उसमें कर दो। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मान के कहा अच्छा कर दो। जब ये हुआ तो फंड कहाँ से लाए? चौधरी अजीत सिंह जी तो थे नहीं। तो फिर मैंने स्वाति गुप्ता ने ये मान कर कि हाँ भाई मेरा फंड इस्तेमाल हो जाता है, तो यहाँ शौचालय, जब शौचालय बने तो स्वाति गुप्ता को हम लोग वहीं थे, उद्घाटन जब हुआ तो माला वाला पहनाई, तो वो स्वाति गुप्ता माला मुझे पहनाने लगी कि ये सारा किया हुआ तो आपका है, मैंने तो सिर्फ पैसे दिए। मैंने कहा नहीं, फिर भी फंड आपका है तो पार्षद आप हैं, इसलिए वहाँ से तक। उसके बाद ये चला कि इसको चलाने के लिए कौन चलाए? RWA तो चलाएगा नहीं क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं कि RWA चला लो उसको। तो कॉरपोरेशन से ही हमने कहा कि सुपर आए और सफाई करे। वो महीने में 2 या 3 बार आता सुपर, तो गंदा पड़ा हुआ होता था। फिर वो हटा के हमने प्राइवेट सुपर अपॉइंट की जिसको 900 रुपये देते हैं। तो जितनी काम करती हैं, माली हैं, गाड़ी धोने वाले हैं, ये सब पैसे देते हैं, लेकिन कई बार पैसे नहीं देते। अगर नहीं देते तो उसको तो 900 रुपये चाहिए, तो कई बार अपने पॉकेट से भी डालना पड़ता है, लेकिन सफाई तो रहती है। ये इसका किसी ब्लॉक में, दिलशाद गार्डन में ये काम नहीं हुआ। नहीं तो आपको जो चुना गया था, जो आपको मनोनीत किया गया था, एक दिलशाद गार्डन के लिए चुना गया, या पूरी दिल्ली में आप कहीं भी ये सेंटर बना सकते थे? नहीं, यहाँ नहीं, ये 4 वार्ड्स हैं MLA के अंदर जी। तो जो स्वाति गुप्ता है वो 241 नंबर वार्ड की है जी, और मैं चारों वार्ड की हूँ। MLA के जो 4 वार्ड हैं, चार पार्षद हैं जी, उनकी मैं एल्डरमैन हूँ। लेकिन सवाल यही होता है कि अगर सरीन जी, अभी एक एल्डरमैन का जो एक क्वेश्चन आया कि आप एल्डरमैन हैं, तो उसमें देखने में आता है कि आप इतनी बुजुर्ग हैं, तो आपको एल्डरमैन का नाम क्यों दिया गया?
देखिए एल्डर मैन का मुझे नाम क्यों दिया गया, ये तो सीएम जो एक्स सीएम है शीला दीक्षित जी उनसे पूछिए, उन्होंने मेरा नाम क्यों भेजा। मेरा नाम भेजा तो मेरा नाम दिया गया, अगर मेरा नाम नहीं भेजती तो मैं कहाँ थी किसी को क्या पता। उन्होंने कहा तो मैंने भेजा, बल्कि जब हुए तो मैंने कहा कि एल्डर मैन क्यों, एल्डर वुमन क्यों नहीं। तो एवरीबडी लाफ्ड के ये क्या बात कर रही हैं, ये एल्डर मैन तो एक बहुत पहले से ये चला आ रहा है एल्डर मैन नाम, और इस एल्डर मैन की कोई ऐसी खासियत नहीं है कि इसको एल्डर वुमेन कहा जाए, दो हिस्से अलग अलग किए जाएं। तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों मुझे चुना। अच्छा, ये दिल साफ गार्डन के अलावा और कितने वार्डों के अंदर आपका ये काम चल रहा है? नहीं, काम मेरा फंड नहीं होगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। अच्छा, फंड के लिए आप किस किस को मतलब कहते हैं कि भाई मैं अपने क्षेत्र में काम कराऊंगा, मुझे उपराज्यपाल ने मनोनीत किया गया है, तो आप फंड के लिए किसके लिए आप अप्लाई करेंगे? हम एमएलए को भी कहते हैं जी, और जो फंड जो चार पार्षद हैं उन चार पार्षद का एक एमएलए होता है जी, उस एमएलए को ही कह सकते हैं कि भाई काम करवाइए। लेकिन फिर पार्टीबाजी आती है, एमएलए बीजेपी का है, वो बीजेपी के पार्षदों को फंड के लिए मुहैया कराएगा, जो दूसरे हैं उनके लिए नहीं कराएगा। अगर मुझे शीला जी ने मनोनीत किया है तो एमएलए जो बीजेपी का है वो मुझे फंड क्यों देगा? नहीं तो शीला जी ने आपको मनोनीत कहा गया, शीला जी ने तो एक आपका खुद भेजा था, तो मनोनीत आपको राज्यपाल जी ने किया है ना? हाँ, उन्होंने किया है उपराज्यपाल ने, लेकिन वो फंड जो आएगा वो तो आएगा पार्षद के थ्रू या एमएलए के थ्रू, एलजी ने तो फंड नहीं देना जी, या दिल्ली सरकार फंड देती है तो दिल्ली सरकार भी फंड देगी, तो अगर एमडीएमसी वाले को ईडीएमसी वालों को देना होगा तो वो कहेंगे कि भाई आप यहाँ से लीजिए, सब तरफ से, रेलवे से, इससे उससे, लेकिन हमें फंड देके कोई राजी नहीं है। अगर एल्डर मैन को भी, अभी तक तो एल्डर मैन को वोटिंग का भी राइट नहीं था, फिर हाईकोर्ट गए हम कि हमें राइट क्यों नहीं है वोटिंग का, तो वोटिंग का हमारा हो गया कि आप चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आप अपना नाम दे भी सकते हैं। सर जी, आपने वोट की बात करी, कि सदन के वोट की बात कर रही हैं या जो ये आप किसी को अपना चुनती हैं, जैसे निगम पार्षद या विधायक वगैरह चुनते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, उसकी बात कर रही है या सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं था? नहीं, हमारे ईडीएमसी में, ईडीएमसी में वोट डालने का अधिकार एल्डर मैन को नहीं था। जब हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने कहा क्यों नहीं डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन ये हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने, अब जो सत्तारूढ़ है वो बीजेपी के ज़्यादा लोग हैं, तो नेचुरली अगर हमारा नाम किसी का, किसी भी एल्डर मैन का, पाँच एल्डर मैन है इसमें नॉर्थ में जी, पांच साउथ में है, पांच नॉर्थ में है, किसी का भी नाम जाएगा तो वो फंड तो मिलेगा नहीं कुछ भी, वोट का हो गया। अब अगर और रहते जल्दी हाईकोर्ट चले जाते तो शायद हम फंड के लिए भी कहते कि हमें भी फंड मिलना चाहिए, नहीं तो एल्डरमैन काम कैसे करवाए बिना फंड के। तो ये एल्डर मैन के जो पावर हैं उनका इस्तेमाल आप कौन करता है? पावर इस्तेमाल कौन करता है, इनकी सारी पावर होती है लेकिन फंड ना होने की वजह से इनकी पावर यूजलेस हो जाती है जी। ज़्यादा काम ये कर नहीं पाते, सिर्फ ये अपने एजेंडा बना लिया, ये कर लिया, बाकी काम नहीं कर पाते। फैक्ट है एल्डर मैन काम नहीं कर। तो चारों वार्डों के अंदर अभी आपका इस तरीके का कोई काम नहीं चल रहा है? नहीं, कोई काम नहीं चल रहा, सिर्फ इसी में हमने ये जो शौचालय का आपको बताया ये किया है। किसी और वार्ड में जाके अगर हम कोई काम करते हैं तो जो वहाँ का पार्षद है वो कहता है जी आपसे क्या मतलब है, फंड हमारा है, हम काम करवा रहे हैं, आप क्या करेंगे। अच्छा, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, आपने इतने अच्छे कार्य किए, परिवार में रह के भी कार्य किए, तो आपका परिवार का किस तरीके का आपको सहयोग मिल रहा है? मेरे परिवार में, यहाँ तो मेरे हस्बैंड हैं,
उनका पूरा सहयोग हो गया। उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, बिल्कुल कभी नहीं। बेटा मेरा न्यूयॉर्क में है, एक बेटी मेरी पोस्टेड है 3 साल के लिए, हम नवंबर में ख़त्म हो जाएंगे लंदन हाई कमीशन में, और एक लड़की मेरी द्वारका में ही है, शी इज़ अ विडो। तो ये मेरा परिवार है। तो आपके यहाँ जो मनोरंजन केंद्र के अंदर जो बुजुर्ग आती हैं उनका सहयोग आपके साथ कैसा है? देखिए सबका सहयोग है, अगर सहयोग नहीं होता तो मैं अकेली कुर्सी पे बैठी होती और ये सारा रूम खाली होता। आजकल लोग कम, आज भी लोग कम आए हैं कुछ, और आप देख रहे हैं कि उनको नहीं मालूम कि कोई इंटरव्यू है, वो तो बिना इंटरव्यू के सोचे हुए आए हैं। अगर इंटरव्यू की बात होती तो शायद ये पूरा कमरा भरा हुआ होता, क्योंकि मेंबर्स तो काफ़ी हैं। जब हम कोई कैंप लगवाते हैं कुछ करते हैं तो फिर सारे मेंबर्स आ जाते हैं।